नदियों को प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने नदियों में किसी भी प्रकार की प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगा दी है, जिसके मद्देनजर महानगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए जिला प्रशासन द्वारा राप्ती नदी के तट पर 3 पोखरे बनवाए गए हैं, जिसमें गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। जिसके संबंध में गोरखपुनी संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन पोखरों में किया जाएगा, जिसके लिए नगर निगम ने राप्ती नदी के तट पर 3 पोखरे बनवाए हैं। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव ने कहा, गणेश प्रतिमाओं के लिए उनके विसर्जन के लिए पोखरों की व्यवस्था कर दी गई है। चूँकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि नदियों में मूर्तियों का विसर्जन ना हो, चूँकि इन मूर्तियों के विसर्जन में ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, आर्सेनिक, मरकरी, इस तरह के केमिकल्स इनमें होते हैं, जिसकी वजह से नदियों का पानी पॉल्यूट ना हो, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने नदियों को शुद्ध रखने के लिए इस तरह की रोक लगा रखी है। और ये इन्वायरमेंट को बचाने के लिए भी आवश्यक है, इसलिए पोखरों की व्यवस्था कर दी गई है ताकि उसमें अपनी श्रद्धा के अनुरूप गणेश मूर्तियों का विसर्जन कर सकें। उसमें विसर्जन किया 3 बनाए गए।